कुछ कहानियाँ कहानियाँ नहीं यादें होती हैं। तो चलें। यूट्यूबर और पर लोगों से पहचान नहीं रहे, पर बहुत जल्द अगले नोटिका में आएगा। Wait, let me give you some context first. So, we went to the India's largest maritime fest where we have to compete against India's top maritime colleges. And we prepared really well this time. Okay, maybe not. And since Nautica was happening in Mumbai, so we packed our bags and we went to Nautica. I am not the victim of this love affair. So, वहाँ जाते ही सबसे पहले अपनी कर दी अपनी प्लानिंग चालू। Guys, this is your chance. भाई आज तो जीत के आज तुम लोग अलग ही फील्ड में जीत हारी। भाई जीत वाला वर्ड पता नहीं क्यों सूट नहीं करता है। पर लोगों से पहचान नहीं रहे, पर बहुत जल्द अगले नोटिका में आएगा वो। कौन? तू। ओके। तो पिछली बार दो लौंडे आए थे फुटबॉल के लिए आए थे। आप चकले देख सकते हैं, एक ओन गोल करके आया था, एक गोलकीपर था। अरे ये नहीं बोलना था, कट कट कट, सॉरी सॉरी। ठीक है, सच्चाई नहीं बोलनी रहती क्या? पहले बताया करो ना, सच्चाई बोलनी रहती। से हाथ मिला रहा था वो। हाँ। मेरे को आया तो ऐसे करके मैं ऐसे हाथ दिखा रहा हूं, इसको इग्नोर कर दिया, मैंने देखा ही नहीं कहा। मैं बता रहा हूं यहां पे हमसे ज्यादा चूतिया कोई लग नहीं रहा है। ओके। पता है सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तुम रोल मॉडल्स बोलते हो, जिन्हें तुम पहली बार देखते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई ये क्या कूल चीज कर रहे हैं, मुझे भी सेम चीज करनी है। मेरी लाइफ में भी ऐसे सेम लोग हैं। जॉइन वॉच एंड डेवी कैट पेट एंड सी द वर्ल्ड। वी विल मेक मोर व्लॉग लेटर। व्हाट डू आई हैव टू से? आई एम गोना गो नाउ एंड लेट्स प्रोसीड टू द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। बट जब तुम उनसे पहली बार मिलते हो भाई, सच बोलो पहले तो तुम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होते हो। मेरी शक्ल देख लो एक बार, फिर थोड़ी सी हिम्मत करके तुम फोटोज के लिए पूछते हो। फिर जो हम एक बार कंफर्टेबल हो गए, जो हमने वहाँ चीजें करी हैं, वो आगे देख लेना। उनके हाथ में हॉकी भी है। इनसे कह दो भाई, यहाँ पे आ जाएं। अच्छा एमा वाले, एमा वाले बचपन से ऐसे रहते हैं क्या? अबे क्या होगा, लगता है भाई? अबे लग रहा है। बात सुन, बता क्या हुआ? वो नहीं था वहाँ पे खड़े थे, तो उसको कह रहा था साथ में पानी बोतल लाओ, यहाँ पे पास पानी बोतल नहीं है। नहीं हमें क्या करना है, सबसे ऊपर पानी ऊपर पर कितने कॉन्फिडेंस से बोला है, जैसे कि 27 के 27 बच्चों के पास पानी नहीं है। इवेंट स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ा खा पी के आ जाते हैं। मज़ा आ रहा है, गाना ज़्यादा अच्छा था। ओके, सो फर्स्ट इवेंट वाज क्विज, और आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आप लोग उसको अटेम्प्ट करोगे। और क्या करें, हमारे बंदे को 3 मिनट भी नहीं चाहिए थे। ये क्या पहला 0 क्विज में पिटाई खाने के बाद हमारी उम्मीदें थी सात्विक भाई से, जिसने डांस के लिए ऐसी प्रैक्टिस करी थी ना, एक बार देखो जरा। फिर गया दूसरा 0। और साथ में कैसा लग रहा है दूसरों को देख? भाई कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, सो कहानी कुछ ऐसी है कि सुबह से हमने खाली थी सब चीज में पिटाई, तो अब बाहर था जिम्मेदारी का हमारे कंधे। हमने पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल में, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखे कुछ उम्मीद तो हमसे भी नहीं थी, तो सीधा बस में बैठे निकल लिए वेन्यू पे। लग रहा है वो बिठा के। कैसा लग रहा है मेरा, मेरी बॉडी को बाहर लगे? अरे हॉट लग रहा है भैया।
वेन्यू पे जाके पता चला कि भाई यहाँ तो बारिश हो रही है और इतनी गंदी बारिश में भाई प्लेयर का ना अंदर का परफॉर्मेंस नहीं निकलता है, मतलब अंदर से आ नहीं पाता। इस चक्कर में ना मिला एक और जीरो। बोलते हैं जूता लो, अभी 1000 रुपए का मैं जूता लेता है ना, फिर एक मैच खेलता उसमें हार्ड तो दुख होता ना, उससे ज्यादा दुख होता है। आज हमने क्या सीख सीखी? खाना नहीं चुराना चाहिए, लास्ट में खाना नहीं मिलता। मैच में गाली भी दे तब भी उसे प्यार से बात करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। दो बर्गर में आज सोच सोच लास्ट में एक बार गोल मार के भी हम लड़ाई झगड़े का डिस्क्वालीफाई हो गए ना। छी गोल मार दूसरे जिंदगी में मारे छी। पहले दिन इतनी पिटाई लगने के बाद उसे दिन तो बिल्कुल ही ऐसा लग गया, बेइज्जती तो ऐसा लग रहा था इसे मुंह पे लिखी हुई है बेइज्जती, बट फिर हमने सोचा कि कितनी बुरी बेइज्जती सकती है, तो हम लोग गए दूसरे दिन की सोच के भाई कुछ तो हम उखाड़ के आएंगे। दूसरा दिन पहला इवेंट GEIMS भाई क्या देखोगे भाई, इसमें भी लग गई पिटाई। जो इवेंट्स हैं वो पैरेलल हो रहे थे, ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा था जिससे कि फाइनल में सब कुछ एक साथ हो और क्रिएट अ गुड इवेंट। जब हम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे बट थैंक्स टू विशाल भाई हमें अपना पहला मेडल मिला। इतनी खुशी भाई, पहला मेडल मिलते ही भाई बंदे हो गए पागल। फिर हमें रियलाइज हुआ कि जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, फिर तो भाई सिर्फ हमने एंजॉय करा। ये पागल, अरे बस कर। जो फॉलो योर पैशन। 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 थोड़ा फाइनल्स भी देख लो, कॉपीराइट की वजह से मैं कोई सॉन्ग चलाता हूँ तो आई क्रिएट अ शॉर्ट मॉन्टाज देखो। And देखते ही देखते it was time for the results. Great Eastern Institute of Maritime Studies. So in total we won 2 medals and Nautica was won by. तो यहाँ खत्म होती है मेरी कहानी। माना हम Nautica जीत तो नहीं पाए, पर जीते कुछ दोस्त जो अभी तक साथ हैं और कुछ यादें जो जिंदगी भर साथ हैं। क्या ये टोकन ऑफ एप्रिशिएशन है? हाँ। पार्टिसिपेटेड। नाश्ता आधा फोटो ले सकते हैं। हाँ आजा। 93 कम। करुण भाई। काफी कुछ था यहाँ पे। सर पता क्या बकवास करता था? जब इंस्टीट्यूट में आया था हमसे बकवास करता था कि मैं 6 किलो का था, मैंने 6 महीने वेट कम करा। कहानी वाला उनके हाथ में हॉकी। हाँ